अस्सलाम वालेकुम सैदा वॉइस पर आप सबको खुश आमदीद। साथियों, एक और नई और सच्ची अनोखी कहानी के साथ फिर से हाजिर हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ दिल की गहराई के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और उससे पहले हमारे चैनल सैदा वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और इन 6 सालों में मेरी गोद हरी नहीं हुई थी और ना मुझे इस बात की उम्मीद थी। पहले पहल मेरे शौहर मुझे प्यार से समझाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कहने लगे, अब मुझ पर दबाव बढ़ रहा था। ये बात मेरे शौहर कम कहते, लेकिन मेरी सास तो मेरे सर पर खड़ी रहती। वो बार बार मुझे इस कमी का एहसास दिलाती और दबे दबे अंदाज में कई बार मुझे कह दिया था कि अगर मजीद 6 महीने या 1 साल तक मैंने उनके हाँ पोता नहीं दिया तो मेरे शौहर की दूसरी शादी कर देंगी, और ये मेरे लिए बहुत बड़े खतरे की बात थी। इससे पहले कि मेरा घर बर्बाद होता और मेरे सर पर सौतन बिठा दी जाती या मेरे माथे पर तलाक का टीका लग जाता, मुझे कुछ करना था। मैं सोच में पड़ गई। आखिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मेरे सर पर सौतन के आ जाने का खतरा भी तो उतना ही बड़ा था। और फिर मेरी सास ने कह दिया था कि मेरा बेटा ना सिर्फ सौतन लाएगा बल्कि तुम्हें तलाक भी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा काम हो जाएगा। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। शादी के 6 महीने गुजरने के बाद ही मैंने अपने हॉस्पिटल की एक अच्छी गायनी डॉक्टर से अपना तफसीली चेक करवाया था। 6 साल तो आराम से गुजर गए, लेकिन 7वां साल लगते ही अब मेरी जिंदगी में हलचल होना शुरू हो गई। मुझे सबको सच बताना था या फिर अपने लिए सौतन को बर्दाश्त करना था। ये बात तो बिल्कुल वाजे थी कि अगर मैं सच बता देती तब तो मेरे शौहर की दूसरी शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाती और मुझे तलाक भी मिल जाती, और ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसलिए मैंने 1 हफ्ता लगातार दिन रात सोचने के बाद एक प्लान बना लिया। मैंने हॉस्पिटल से अपने लिए खुद ही एक जाली रिपोर्ट तैयार की और उसे लाकर अपने शौहर और अपनी सास को दिखा दिया। सबके चेहरे खुशी से खिल गए थे, यूं जैसे मन की मुरादे पर आई हों, दुआएं कबूल हो गई हों। मेरी सास तो मानो सदके वारी जा रही थी। उन्होंने खड़े खड़े बकरे का सदका भी दे दिया और शौहर भी मुझसे बहुत खुश हो गए थे। कहने लगे, 7 साल बाद तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने जब यूं अपनी सास और अपने शौहर का रवैया और उनकी खुशी देखी तो मुझे अपना फैसला बिल्कुल सही लगा, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मेरा फैसला बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि यह आगे जाकर एक बहुत बड़ी आजमाइश बनने वाला है। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा था। सब खुश हो गए थे। मेरे शौहर अपनी वालदा की इकलौती औलाद थी, इसी वजह से वो उनके लिए बहुत अरमान रखती थी। फिर मोहब्बत की शादी के बाद तो औलाद का होना लाजमी था। मैंने रिस्क तो ले लिया था, खुदा ही जाने किसका नतीजा क्या निकलता। मैंने अपने शौहर और अपनी सास को बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे हमल ठहर गया है, मेरे शौहर की नस्ल आगे बढ़ने वाली है। मैं चूंकि नर्स थी इसलिए मुझे मालूम था कि हामिला औरतों के साथ क्या क्या मसाइल होते हैं। इसलिए मैं प्रेग्नेंट औरत होने का नाटक बहुत अच्छे से कर रही थी और मेरी सास को भी मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त गुजरने की रफ्तार तो वैसे भी बहुत तेज होती है, मालूम ही नहीं होता कि इंसान एक लम्हे से कैसे महीनों और सालों की गिनती मुकम्मल कर लेता है। मुझे अपने हामिला होने की झूठी खबर फैलाए हुए 7 महीने गुजर चुके थे और अब तक मेरी सास पहचान नहीं सकी थी। और अब मैंने सास के कान में ये बात भी डाल दी थी कि मेरी हेड डॉक्टर कह रही हैं कि मेरा केस नॉर्मली होगा। दरअसल 7वां महीना शुरू होते ही मेरी सास ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि मैं 3 महीने की छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाऊं और अपना और अपने होने वाले बच्चे की सेहत का ख्याल रखूं, जबकि असल हकीकत तो सिर्फ मुझे ही मालूम थी कि मैं माँ नहीं बनने वाली थी, बस उनके सामने एक्टिंग कर रही थी। इसलिए मैंने अपनी सास को सब ओके की रिपोर्ट दे दी और दिखा भी दी। डॉक्टर का लिखा एक पर्चा भी उनको दिखा दिया जिस पर मेरे लिए हिदायत के खाने में लिखा था कि इनकी प्रेगनेंसी बहुत ही नॉर्मल है और इनको चलता फिरता रहना चाहिए। देखकर मेरी सास मुतमईन हो गई, बल्कि तारीफ करने लगी कि सच में जो औरत काम करती रहती है, एक्टिव रहती है, उसका बच्चा बहुत सेहतमंद होता है। मैं भी बेफिक्र होकर फिर से रोजाना ड्यूटी पर जाने लगी। अब मुझे और फिक्रें सताने लगी थी कि झूठ बोलकर 9 महीने के लिए तो मैंने अपनी सास और अपने शौहर का मुंह बंद करा दे, लेकिन अब आगे क्या करूंगी, बच्चा किधर से लाऊंगी। मेरे दिन रात अब यही सोचते हुए गुजर रहे थे और मैं बहुत परेशान भी रहने लगी थी। लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश होती थी कि मेरी परेशानी की भनक मेरे शौहर और मेरी सास को ना पड़े, वरना वक्त से पहले ही मेरा पोल खुल जाएगा, मैं कहीं की ना रहूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी दिन तबीयत की खराबी का नाटक करूंगी और फिर कह दूंगी कि बच्चा मर गया है, लेकिन इससे पहले ही अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। दरअसल परेशान इसी वजह से थी कि मेरी सास अब बार बार पूछती थी कि बहू तुम्हारा पेट उतना नजर नहीं आता है जिस तरह आम औरतों का नजर आता है, जरा चेक तो करवाओ, बच्चा ठीक तो है, देखो तो 7वें से 8वां महीना हो रहा है और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भी सेहतमंद नजर नहीं आ रहा है, अपना ख्याल रखा करो। इसलिए कहती हूँ आराम करो,
लेकिन क्या कहें, आजकल के डॉक्टर्स को के कहते हैं कि भाई 9वें महीने में भी आकर काम करो और भाई डिलीवरी से पहले भी काम करो। भाई ये बात तो ठीक है कि बच्चा सेहतमंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारे पेट की हालत देखकर लगता है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही कमजोर होगा। अब मेरा दिल बहुत बेकरार था क्योंकि मुझे शौहर को और अपनी सास को साफ साफ बताना था। बहरहाल मैं इसी फिक्र में एक दिन हॉस्पिटल चली गई। ये मेरी नाइट ड्यूटी थी कि मैंने एक बच्चे को एक झूले में पड़ा देखा। वो बच्चा बहुत बुरे तरीके से रो रहा था। मैं डरते डरते उसके पास गई, आसपास देखा तो कोई भी औरत नहीं थी, यानी उसकी माँ उसके आसपास नहीं थी। मैंने फिर बच्चे को हिलाया तो उसने आंखें नहीं खोली, बस वो आंखें बंद किए रोए चले जा रहा था, शायद उसे भूख लग रही थी। मैंने फिर डरते डरते उसको हिलाया तो उसके नीचे मुझे एक पर्चा नजर आया। उस पर्चे को पढ़कर मानो मैं खुशी से झूम गई। मेरी तो ईद हो गई, अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरे झूठ की लाज भी अल्लाह ने रख ली थी और मुझ बांझ औरत की गोद में अल्लाह किसी न किसी बहाने से औलाद भी दे रहा था। मेरा तो जैसे सारे ही मसले एक चुटकी में हल हो गए थे। मैंने उस बच्चे को झूले से उठाया लेकर चल पड़ी। खत को मैंने पहले ही अपने दुपट्टे में छुपा लिया था ताकि कोई देख न सके कि बच्चा किसी का है। पहले मैंने सोचा कि फौरन ही बच्चे को लेकर घर चली जाओ, लेकिन इस तरह शोहर को शक हो जाता और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी मुझे पकड़ लेती। तो मैंने एक तरकीब सोची। पहले तो मैंने जाकर हेड डॉक्टर से बात की और उन्हें कहा कि मैं बच्चे को किसी यतीम खाने में छोड़ आती हूँ, और फिर अपनी सास को फोन कर दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है और मुझे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाने लगे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी सास मुझे देखने के लिए इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने दूसरे शहर गई हुई थी। उनको वापस पहुंचते पहुंचते भी कम से कम 3 घंटे लग जाने थे, और फिर मेरे शौहर वैसे ही हॉस्पिटल में थे और दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाती। वो वक्त से पहले काम छोड़कर कभी भी नहीं उठते थे, इसलिए मैंने बेफिक्र होकर रिस्क ले लिया। आखिर मैं जो कुछ कर रही थी उन्हीं की भलाई के लिए तो कर रही थी। बहरहाल 1.5 घंटे के बाद अपनी एक साथी नर्स से मैंने फोन करवा दिया, खैर खैरियत रही है, ऑपरेशन नहीं हुआ बल्कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है और बेटा पैदा हुआ है। 3 घंटे जैसे तैसे हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मेरी सास भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और वो घर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल ही आई थी। फिर वो मुझे और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। सब लोग खुश थे, स्टाफ मेरे साथ था, इसी वजह से किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। मेरे और उस बच्चे के सदके वारी जा रहे थे वो लोग, लेकिन मुझे न जाने क्या हुआ कि जब से उस बच्चे को गोद में उठाया था तब से ही तबीयत अजीब बोझल हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई भारी सा वजूद मेरे कंधों पर बैठा मुझे थक्कर में मुब्तला कर रहा है, शायद किसी डर के बायस ऐसा था। लेकिन सब ठीक था, मेरा राज फाश नहीं हुआ था, बल्कि मेरा पर्दा रखने और मेरी और मेरे ससुराल वालों की औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह ने बेहतरीन इंतजाम फरमा दिया था। फिर मेरी ऐसी हालत क्यों कर हो रही थी, ना शुक्रिया औरत मत बनो। मैंने खुद को डपटा और अपने आसाब को पुरसकून करने की कोशिश की और अल्लाह का नाम लेने लगी। इससे मेरे आसाब पुरसकून हो गए। मैंने जो कुछ किया था अपने शोहर और सास की भलाई के लिए किया था। मेरे सारे घर वाले खूब जश्न मना रहे थे, मोहल्ले और खानदान में मिठाइयाँ बांटी गईं। बच्चे को देखकर सब उसके कुर्बान जा रहे थे, इतना हसीन बच्चा था। रात हुई तो मेरी सास ने सबको मेरे कमरे से निकाल दिया और कहा बच्चे को और माँ को आराम की जरूरत है, और चूंकि आज पैदाइश का पहला दिन है तो माँ और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए मेरी सास ने अपना बिस्तर भी हमारे कमरे में लगा लिया और मेरे शौहर से कहा कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। मैंने बच्चे को अपने पास लिटाए ही रखा और सब लाइटें बंद करके सोने के लिए लेट गई। अचानक से वो सब हुआ जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया था। यूं लग रहा था जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैं वहशत का शिकार होकर चीखने लगी थी। मेरे चीखने से मेरी सास की आंख खुल गई थी और उन्होंने घबरा कर कमरे की लाइट जलाई। कमरे में रोशनी होते ही मैं चुप हो गई। मेरी सास कहने लगी क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो तुम? मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया है, कोई बड़ा सा आदमी। मैंने फूले सास के साथ उनको सब बता दिया जो कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। ये सब सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया, वो बुलंद आवाज से कुछ विर्द करने लगी। उसके बाद सारी रात मुझे खौफ से नींद नहीं आई थी और मेरी आंखों के सामने वो खत घूमने लगा जिसमें लिखा था इस बच्चे को मैं ऐसी हालत में दुनिया में लेकर आई हूँ कि इसका बाप इसे कबूल नहीं कर रहा है। अब जो भी इसे उठाएगा वो इसे अपना ही बच्चा कहेगा, और अगर कोई इसे अपनी गर्ज से इस्तेमाल करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। वो जो भी माँ थी मुझे तो फायदा ही हो रहा था, मैंने जो किया था अपने लिए किया था। इसलिए मैंने अपनी सास को ये तो नहीं बताया कि वो बच्चा क्यों और कैसे इस दुनिया में आया है। बस मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता, हो सकता है इसको नजर लग गई हो, क्योंकि इतना खूबसूरत जो है वो कहने लगी तुम सही कह रही हो, इसको नजर ही लगी है। हमारे खानदान में सालों बाद एक पोता आया है तो जाहिर सी बात है लोगों ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखकर नजर ही लगाई होगी। मैंने 9 महीने तक
झूठा खेल खेला था, इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। क्या मेरी वो मुराद मेरे हाथ आने के बाद भी मुझसे छिन जाएगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो सफर मैंने कामयाबी पर खत्म किया था, क्या वो फिर से सिफर हो जाएगा? 9 महीने मैंने किस तरह गुजारे, किसी को शक भी नहीं हुआ। जब अल्लाह मेरा साथ दे रहा था तो फिर क्यों परेशानी हो रही थी? लेकिन डर लग रहा था मुझे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई उस बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाएगा। जिसका भी वो बच्चा था, वो माँ हो सकता है तड़प रही हो सकता है अपने बेटे को याद कर रही हो। सोचते सोचते मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी गैर होती हालत देखकर मेरी सास ने सारी रात मेरे साथ जाकर गुजारी और कमरे में रोशनी भी जलती रही, लेकिन मेरी सास ने मुझसे किसी भी किस्म का कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से कुछ विर्द करती जा रही थी। शायद इसी वजह से बाकी की रात आराम से गुजर गई और कोई और बात पेश न आई। इस तरह नॉर्मल वक्त गुजरने से मैं भी पुरसुकून हो गई। मेरे शोहर को भी इस माजरे का पता चल गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास कुछ बहुत ही खामोशी से अपने बेटे से बात कर रही थी। मुझे पता था उन्होंने अपने बेटे को रात वाली सारी कैफियत बता दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सास किसी औरत को ले आएंगी। वो औरत जिसको देखकर मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई, वो औरत मुझे घूर घूर कर देख रही थी। उसके देखने से मुझे लर्जा तारी होने लगा। न जाने वो उसे क्यों लेकर आई थी, वो मेरा राज फाश कर देगी, सारी हकीकत सामने खोल कर रखने वाली है वो। मेरी सास ने उस औरत के इशारा करते ही बच्चे को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। मेरा सर सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। औरत ने पहले तो बच्चे को बगौर देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज ऊंची होने लगी और वो पूरी शिद्दत से अपना सर भी घुमाने लगी। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत ही खतरनाक सी बदरू गुस्से में तड़प रही हो। कुछ लम्हे आंखें बंद किए वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाती रही, फिर एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी और मेरी आंखों में देखने से मैं अपने अंदर कपकपाहट महसूस कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी आंखें बंद कर लूं, लेकिन फिर भी चाहकर भी उस औरत पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि वो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। वो औरत कौन थी, मेरी सास उसे क्यों कर लाई थी, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उसके शहर में जकड़ चुकी थी। ना चाहते हुए भी मैं उस जगह बेबस लाचार खड़ी थी। चल लम्हे मेरी आंखों में ऐसे देखने के बाद वो औरत मेरी सास की तरफ गई और उन चल लम्हों में ही उसने न जाने मेरी सास से क्या कहा। मेरे पसीने छूट गए। क्या मेरी सास को पता चल जाएगा कि ये मेरी औलाद नहीं है? इस औरत को पता चल गया है, लेकिन उस औरत ने न जाने मेरी सास से क्या कहा, जिसको सुनकर मेरी सास ने गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैं सर हिला दिया और फिर अपना बिस्तर मेरे कमरे से बाहर निकालकर उस औरत के लिए मेरे कमरे में बिस्तर लगा दिया। मैं खामोश तमाशाई बनी सब देख रही थी। शायद 9 महीने तक जो झूठ मैंने बोला था, मुझे अब उसकी सजा मिलने वाली थी। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, लेकिन मेरी सास के जाते ही जो कुछ उस औरत ने मुझसे कहा, उस बात ने मुझे पुरसुकून कर दिया कि मेरा राज अभी तक राज ही है। लेकिन जो दूसरी बात उसने मुझे बताई थी, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। दुनिया में ये सब भी होता है, लोग इतने बेहिस और पत्थर दिल भी होते हैं? क्या दुनिया में वाकई इस कदर नफरत है और लोग इतनी नफरतें भी पालते हैं? मैं हैरत ज़दा थी और बार बार उस मासूम बच्चे का चेहरा देखती थी जो किसी और का नहीं बल्कि मेरे शोहर का था। मेरे शोहर ने न जाने किसके साथ ये काम किया था और वो बच्चा उसी हॉस्पिटल में डलवा दिया गया था। लेकिन क्या उन्हें पता था कि मैं माँ नहीं बनने वाली? मुझे अपने शोहर से ये बात मालूम करनी थी, लेकिन वो औरत कहने लगी, अभी तुम सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा सब्र से काम लेना है, वरना मामला उलट हो जाएगा और बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। वो औरत जरूर मेरी मदद के लिए आई थी, लेकिन उसको मेरी सास के लेकर आई थी, मुझे नहीं पता, शायद कुदरत मेरा साथ दे रही थी। बहरहाल वो मेरे कमरे में रहती रही। 40 दिन तक वो कोई मखसूस अमल करती रही, जिसकी वजह से मेरा वो खूबसूरत सा बच्चा अब देखने के लायक हो गया था। यानी अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। उस पर लगी हुई काली नजरें हट रही थीं। फिर वो औरत कहने लगी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने शोहर से सारी बात पूछो, क्योंकि ये बच्चा उसका है। इस बात पर तुम्हें खुशी होनी चाहिए, कम से कम वो तुम्हें किसी बात पर ताना नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर वो तुम पर इल्जाम लगाए तो फिर तुम भी उससे बराबर का जवाब लेना। उसके बाद वो चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर मेरे शोहर ने ऐसा क्यों किया और क्या ये बात सच थी कि वो बच्चा मेरे शोहर का ही था? रात में मेरे शोहर थके हारे आए और बच्चे को प्यार करने लगे। मैंने कहा, अमजद मुझे आपसे एक सवाल करना है। हाँ पूछो। मुझे एक बात सच बताइएगा, आखिर ये बच्चा किसका है? वो कहने लगे, ये बच्चा तुम्हारा है और किसका है? मेरा और तुम्हारा बच्चा है। कहने लगे, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है क्या? तुम ऐसा सवाल कर रही हो जैसे तुम इसकी माँ नहीं हो। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बच्चा किसका है? तुम पागल हो गई हो? ये बच्चा तुम्हारा है, तुमने पैदा किया है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि बच्चा किसका है? हमारे शोर को सुनकर सास भी कमरे में आ गई। मैं गुस्से से दहाड़ रही थी। मैंने कहा, मैं आप दोनों को एक सच बताना चाहती हूँ, लेकिन उस सच को बताने से पहले मैं आपसे सच सुनना चाहती हूँ।
मेरे शौहर ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहती हो। ये बच्चा आपका है? हाँ ये बच्चा मेरा है, लेकिन इसकी माँ कौन है? इसकी माँ मैं नहीं हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास मुझे गुस्से से घूरने लगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैंने एक झूठ बोला है और अब ये झूठ मजीद हजम नहीं कर सकती मैं, क्योंकि इस झूठ के सहारे मैंने 9 महीने गुजारे हैं। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं बांझ हूँ। लेकिन आप लोगों के डर से कि आप लोग मुझे इस घर से निकलने पर मजबूर कर देंगे, या मेरा शौहर मेरे सर पर सौतन ले आएगा, आप इसकी शादी करा देंगी, या आप इसको मजबूर करेंगी मुझे तलाक दे दे, इसी डर से मैंने आप सबसे झूठ बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन इस बच्चे को अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा। ये बच्चा यतीम लावारिस था, इसको मैंने इसलिए उस जगह से उठा लिया था, और आप सबको मैंने झूठ बोल दिया कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन अब जो बात मुझे पता चली है, उससे मुझे इस बात का सबूत चाहिए अपने शौहर से कि ये बच्चा आपका है, लेकिन माँ कोई और है। वो चुप हो गए और नजरें झुका ली। मेरी सास भी खामोश तमाशाई खड़ी थी, यानी उनको भी सारी बात पता थी। मैंने कहा, अम्मी आपको सब पता है ना, आप मुझे सच बता दीजिए तो मैं आप दोनों से कुछ ना कहूंगी। देखिए मैंने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। इस राज को मैंने राज नहीं रहने दिया, क्योंकि इस राज को लेकर मैं अपने दिल पर बोझ महसूस कर रही थी। जिस दिन से ये बच्चा मेरी गोद में आया है, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, झूठ बोला है मैंने। बेशक आप लोग मुझे घर से निकाल दें, बेशक अमजद आप मुझे तलाक दे दे, लेकिन इस बच्चे की माँ तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि इसकी माँ ने जो कुछ खत में लिखा है उसको आप पढ़ लें। उसके बाद मैंने वो खत अमजद को पढ़ा दिया। अमजद वो खत पढ़ रहे थे और रो रहे थे, कहने लगे, हाँ इसका बाप मैं हूँ और माँ इसकी वो है जिसके बारे में कभी तुम सोच भी नहीं सकती। आप मुझे सच बताएंगे आखिर क्या हुआ है आपके साथ, और आपकी माँ ने क्या आपका साथ दिया है? तो अम्मी कहने लगी, हाँ मैंने इसका साथ दिया है। दरअसल मेरा बेटा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। मेरे बार बार कहने पर भी इसने शादी के लिए इनकार कर दिया और मुझे खुदकुशी की धमकी दे दी। तो मैंने इससे कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि तुम ही किसी के साथ एक काम कर लो, वो काम जिसके जरिए हमारे यहाँ औलाद हो जाए। दरअसल बहू, तुम्हारी रिपोर्ट जो तुमने मुझे दिखाई थी वो रिपोर्ट झूठी थी। आपको कैसे पता? क्योंकि जिस हॉस्पिटल से तुम रिपोर्ट बनाकर लाई थी, उस हॉस्पिटल में वही औरत काम करती थी जिसके साथ मैंने अपने बेटे का वो ताल्लुक बनवाया। उसने ही मुझे बता दिया था कि तुम माँ नहीं बनने वाली हो, इसी वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं पूछती थी। वरना बताओ क्या सासे पूछती नहीं है? क्या सासे बहू का पेट नहीं देखती है? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, उल्टा तुम्हारी खिदमत की, क्योंकि मैं चाह रही थी जो नाटक तुम कर रही हो वो नाटक हम भी कर लें। फिर मैंने उसी औरत के जरिए अपने बेटे का वो बच्चा पैदा करवाया और झूले में डलवा दिया, जिसको तुम लावारिस समझकर उठाकर ले आई। उस औरत ने वो बच्चा झूले में डाल दिया था और हमें कह दिया था आपकी बहू उस बच्चे को उठाकर ले गई है। तब हम बहुत खुश हुए। मैं जानबूझकर दूसरे शहर गई थी ताकि तुम्हें तुम्हारे काम में आसानी हो जाए, यानी हम तीनों मिलकर ये काम कर रहे थे। आखिर क्यों? इसलिए कि मुझे पौधा चाहिए था और मेरा बेटा तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता था। शादी नहीं करना चाहता था लेकिन किसी और के साथ ताल्लुक बना लिया, वो भी नाजायज। आखिर क्यों? इसलिए कि बस इसने मेरी ममता के आगे मजबूर होकर ऐसा किया। मैंने इसे अपनी ममता का वास्ता दिया था और कहा था कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा और मुझे मेरे पोते को लाकर नहीं देगा तो फिर मैं मर जाऊंगी। तो इसने मेरी खातिर ये काम किया। गुनहगार मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं। मैं अपने शौहर को देख रही थी जिनकी आंखों में आंसू थे। बहरहाल जो हुआ था उसमें हम तीनों की गलती थी। मैंने भी तो झूठ बोला था, लेकिन मैंने झूठ अपने घर को बचाने के लिए बोला था और मेरे शौहर मुझे नहीं खोना चाहते थे। मैंने कहा, अमजद आप एक बार मुझे बोलते तो मैं आपका साथ देती, लेकिन ये सब करने में कम से कम हम तीनों ने जो एक दूसरे से झूठ बोला है वो झूठ नहीं बोलना पड़ता। अम्मी मैं आपको खुद इजाजत देती, लेकिन आपने छुपके अपने बेटे से एक काम करवाया, इस बात के लिए मैं आपको क्या माफ करूंगी, क्योंकि मैंने भी तो आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है ना। उसके बाद हमारा वो बेटा जो मेरा बेटा तो नहीं है, कम से कम मेरे शौहर का बेटा है, हमारे खानदान का हिस्सा बन गया है। मेरे शौहर और मैं उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी सास अब मुझे कोई ताना नहीं देती, ना ही कहती कि तुम बांझ हो, क्योंकि अमजद ने उन्हें कह दिया है आपको जो चाहिए था आपको मिल गया, अब मेरी बीवी को आइंदा तक मत कीजिएगा। लेकिन इंसान कभी कभी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नाजायज काम भी कर जाता है। मेरी सास ने कुछ यही किया अपने बेटे के साथ।